अगर हम देख रहे हैं किस तरह से ढेर हो गए विक्रांत, किस तरह से आप कहेंगे दोनों टीमों के अगर मनोबल की बात कर लें तो एक टीम की मनोबल अभी हाई, टीम इंडिया किस तरह से जोश में, लेकिन कंगारू आपको लगता है कि आप यहां से वापसी कर सकते हैं? मुश्किल होता है, देखिए उनके लिए वापसी का जैसे मदद जी ने कहा मौका यही था, जब उन्होंने 263 बनाए तेज विकेट पे वो अच्छा स्कोर था, भारत के 39 से 7 आउट हुए वो मौका था, लेकिन जो करिश होती रही भारत लगा 100 रन प्लीज खा लेगा 80 रन। तो दोस्तों फुल वीडियो आगे है, देखना चाहते हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड जो है आपको स्किप करना है और वॉच करना है गाइस। वंस अगेन आपको बता दूं फुल वीडियो आगे है, सिर्फ 30 सेकेंड जो है आप स्किप कीजिए और वॉच कीजिए विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेकेंड टेस्ट मैच जो इंडिया ने डोमिनेट परफॉर्मेंस दिखाकर जीती है उसके बारे में जो है विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन है गाइस। तो 30 सेकेंड स्किप कर देखिए, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, पहले वॉच कीजिए इस वीडियो को। 40 से 7 आउट हुए वो मौका था, लेकिन जो करिश होती रही भारत लगा 100 रन की लीड खा लेगा, 80 रन की लीड खा लेगा, 50 की खा लेगा, 1 रन की लीड करेगी। सो जैसे ही भारत वहां तक आ गया था उसके बाद कल रात को डर लगा, उन्होंने 60 लगाए, बट यार एक सेशन में अगर आपकी 9 विकेट गिर जाती है जैसे मदनी ने कहा, आप कुछ तैयारी नहीं कर आए, आप क्रिकेट की जो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले बैट्समैन इंडिया में नहीं आए, तो जो दो कमेंटेटर्स हैं मैथ्यू हेडन और मार्क वॉ, उनको शर्म आ रही थी कमेंट्री करते हुए क्योंकि वो इंडिया में इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानते हैं। इनफैक्ट मैम मैथ्यू हेडन कह रहे थे यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिसका दिल करता है रिवर्स स्वीप मार देता है, जिसका दिल करता है स्वीप मार देता है, आपको ये कॉमन सेंस होती है दिल्ली में जहां पर बाउंस कम है, जिस भी विकेट पे बाउंस कम होगी आप उस विकेट पे स्वीप नहीं मारते हैं। अगर आपको स्पिनर को थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलना है तो आप निकलकर खेले, आप निकलकर सामने मार दें, आप निकलकर मिड विकेट पे मार दें, आप अपने डिफेंस को तो ट्रस्ट करें। जिस बैट्समैन जो बैट्समैन अपने डिफेंस को इन विकेटों पे ट्रस्ट नहीं करेगा आशुतोष वो रन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो भारी नहीं पड़ रहा है इस श्रृंखला में, दिक्कत है लेकिन ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं हो पाएगा। जब नंबर वन का ये रुतबा लेकर चल रहे थे कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं थे, वही तो नहीं नजर आ रहा है, उसी का शिकार तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस था ही नहीं, ये डर के आए हैं। वो सुनील गावस्कर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ये तंबू में ही हार के आए, तंबू में हार के आए मतलब मैच शुरू होने से पहले जहनी तौर पर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। अब इस टेस्ट मैच को तुमको बनाना चाहिए था, इस टेस्ट मैच को उनको बनाना चाहिए था, जिस तरह उनका आज कोलैप्स हुआ, भारत भी तो था ना 36 ऑल आउट, बिल्कुल भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज आखिरी जीती है, पीछे से आकर जीती है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर खेलना। शीर्ष में तुमके लिए बहुत 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 निराश कर रहे हैं, स्लिपों में कैच छोड़ रहे हैं, बैट से रन नहीं बना रहे हैं, कुछ उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगा बाहर जाएगा। भाई एक जमाना था तब लोग जाते थे ऑस्ट्रेलिया टीम में, वो भी टीम के दिन में हारती उनके तेज गेंदबाजों के सामने, शेन वॉर्न के सामने, लेकिन आज हकीकत उल्टी है, गंगा उल्टी चल रही है। बिल्कुल विक्रांत मदनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे चाहे इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा सवाल अपना व्यक्तिगत, हालांकि सवाल सभी का है, उंगली भी उठ रही है केएल राहुल को लेकर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, बहुत लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है, उनको टारगेट पर भी रखा जा रहा है केएल राहुल को, लेकिन खेलना होगा, अब जिम्मेदारी भरी पारी कहीं ना कहीं उनको दिखानी होगी। नहीं मुझे लगता है कि वक्त जा चुका है, अगर आप फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं, वेंकटेश प्रसाद ने जो बात उठाई है ठीक है, वो थोड़ा सा शायद ज्यादा ऐसा लगा कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया, लेकिन हकीकत यह है अगर आप 50 के करीब टेस्ट मैच खेलते हैं आपके रन सिर्फ इतने हैं तो आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है, रन विराट के भी नहीं है, रन पुजारा के भी नहीं है, रन रहाणे के भी नहीं थे, लेकिन उनको लंबी रस्सी इसलिए मिलती रही क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे, उन्होंने रन बनाए हुए थे। तो केएल राहुल अब देखिए दो टेस्ट मैच की टीम चुनी गई थी, अब सवाल यह है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम चुनी जानी है, चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर है नहीं, अब जो नए सिलेक्टर आए हैं चारों, क्या इनमें इतना दम है कि ये टीम मैनेजमेंट के खिलाफ जाए? क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो केएल राहुल को ना सिर्फ 15-16 में रखेंगे बल्कि 11 में भी खिलाएंगे। सो द ओनली वे आपके सिलेक्टर अगर दम दिखा सकते हैं वो है अगर वो केएल राहुल को तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दे, अगर वो ड्रॉप होंगे तो ही वो 11 से बाहर होंगे, लेकिन आप लिख के ले लीजिए अगर सिलेक्टर्स की नहीं चली टीम मैनेजमेंट की चली तो वो ना सिर्फ 16 में रहेंगे बल्कि वो 11 भी खेलेंगे। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसके मद्देनजर हमने दोनों टेस्ट मैच में देखा हमारे गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक रहा, गेंदबाजों को उनका दबदबा में ज्यादा देखने को मिला, आपको क्या लगता है यहां से कोई बदलाव की स्थिति या फिर कहीं और संशोधन करने की गुंजाइश, कोई और तैयारी की गुंजाइश या फिर टीम यही रहेगी?
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब आप जाएंगे वहां पे कंडीशन अलहदा होगी, वहां पर ओवल में आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पर आपको बैटिंग का एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगा, वहां पर आप तीन स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे। द मोमेंट आप कहते हैं कि तीन स्पिनर्स अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल न सिर्फ गेंदबाज के तौर पर इन पिचेस पर घातक है बल्कि अश्विन को बैट से नीचे आके रन भी बनाते हैं। सो द मोमेंट आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक या दो ओवर में परहैप्स मदद भी जानते हैं, दो स्पिनर अगर आप खिला भी लेते हैं तो चलिए ठीक है, वहां पर आप तेज गेंदबाजी, क्या जसप्रीत बुमराह फिट होंगे, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जबरदस्त गेंद कर रहे हैं, अगर बुमराह भी आ जाते हैं तो आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट तैयार हो जाता है। दिक्कत है इंडिया की, और अगर कोई सवाल होगा इंडिया का तो वो होगा उनकी बैटिंग, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप 350 रन बनाओगे तो ही आप WTC फाइनल जीत पाओगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, विराट आज भी थोड़े कंफर्टेबल दिख रहे थे लेकिन आउट हो गए 20 रन पे, केएल राहुल की आपने बात की ही है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त है कि आप फटाफट से शुभमन गिल को तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खिला दें, क्योंकि ये भी गलत होगा ना कि शुभमन गिल को अभी आप फिर बाहर बिठा के रखो, केएल राहुल फिर दो मैचों में रन ना बनाए और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आप कह दो शुभमन गिल आओ अब आप खेलो, तो शुभमन गिल को आपको तीसरा चौथा टेस्ट मैच खिला के उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल मदन जी, क्या आपने कभी देखा था इतिहास में दो टेस्ट मैच, चलिए एक मैच में हम समझ सकते। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस। तो 6 विकेट से टीम इंडिया ने सेकेंड टेस्ट मैच जो है अपने नाम किया है, यानी विन हुई है सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इसी तमाम वीडियोस, वीडियो का क्रेडिट जो है स्पोर्ट्स तक को जाता है गाइस, तो क्रेडिट जो है स्पोर्ट्स तक का वीडियो है ये, उनको क्रेडिट जाता है। आप इस चैनल पे भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चाहिए, वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।